घर वालों को एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम इन सबकी जिंदगी में क्या मायने रखती हो, और ये तब भी होगा जब तुम कुछ देर के लिए सबकी जिंदगी से गायब हो जाओ। मैंने आज तक आपसे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाए रखी जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ये अलमारी तो मैंने बंद की थी, फिर खुली कैसे रह गई? देख छोरे, मैं तुझे रात तक का समय देता हूँ, अगर इच्छा वापस नहीं आई तो। तो क्या पिताजी? तो तुझे भी ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये आवाज, आवाज तो अलमारी में से आ रही है। छोरी आके खोल। अरे बबल, खड़क सबल, जल्दी आओ, इच्छा छोरी बेहोश हो गई। दादी, ये देखो। इच्छा, 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 हटो, हटो, हटो। देखना, देख, हट। इच्छा, हाँ बैठा दे, बैठा दे। खड़क, जल्दी से डॉक्टर को बुला। इच्छा, इच्छा, होश में आओ, आंखें खोलो। छोरी आंखें खोल। इच्छा, इच्छा, होश में आ। इच्छा, आंखें खोलो। इच्छा, इच्छा, एमा, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। मैंने तो इसकी हालत ठीक ना लग रही, डॉक्टर के आने का इंतजार नहीं करती, हम इसे खुद ही डॉक्टर के पास ले चलते। दादी से होश आ रहा है। इच्छा, 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 थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तुमने हम सबको डरा दिया था, हमें लगा कि तुम। बबल, तू इसे अपने कमरे में ले जा, वहां इसे आराम करने दे। दादी, क्या हुआ बब्बल जी, आप हाँ रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा बताइए ना बब्बल जी, इच्छा आज आज मेरा ही आइडिया मेरी जान पर बना है। मैंने ही तुमसे कहा था जाओ, जाकर छुप जाओ, देखते हैं घर वालों पर क्या असर होता है। और तुम, अच्छा तुम्हारी क्या हालत हो गई थी, मुझे लगा कि तुम। अच्छा तुमने जानी तुम मेरे लिए क्या, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। बगैर नीचे पाऊ ना इस लोक में ना किसी और लोक में। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा तब तुम जा पाओगी ना। अच्छा मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या फैसला होगा, लेकिन इतना तो तय है वो तुम्हें अपना या ना अपना है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अपने घर वालों को भी। मतलब? मैंने शादी आपसे की है लेकिन रिश्ता इस घर से जोड़ा है। मेरी वजह से इस घर का बेटा इस घर से अलग हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप मुझसे वादा कीजिए, चाहे जो हो जाए, आप अपने घर वालों से कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन इच्छा, मैं जानती हूँ आप इनके बगैर भी नहीं जी सकते। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी भी उन्हें। अच्छा ठीक है, तुमसे वादा करता हूँ, मैं ना तुम्हारा साथ छोड़ूंगा और ना अपने घर वालों का। मैं सबको मना लूंगा। इच्छा, डॉक्टर साहब आ गए, चलकर चेकअप करा ले।
शीतल डॉक्टर साहब देखिए ना इसे क्या हो गया है, मने तो घनी चिंता हो रही है। जो भी हो जैसे भी हो इसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। जुबान बाहर निकालिए। मुझे तो लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं इनका ब्लड चेकअप कर लेता हूं। मतलब ये मेरे नस से खून निकालेंगे? हाँ। लेकिन इंसानी रूप में इच्छाधारी नाकों की नसें नहीं मिलती। लेकिन अच्छा पिछली बार तो तुम वो तो पाकू का कमाल था, उसने जादू से डॉक्टर के सामने मेरी नसें दिखाई थी। अब वो यहाँ नहीं है, क्या करेंगे? लाइए हाथ दीजिए, थोड़ा खून निकालना है। नहीं नहीं खून वून निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखिए आप घबराइए मत, बस सुई लगेगी, हल्का सा दर्द होगा, इतना बर्दाश्त कर सकते। हाँ लेकिन क्या? अरे सबके सब घेर लो इसे, याद है ना पिछली बार इसने क्या किया था, इंजेक्शन देख के भाग गई थी, इस बार भी भागेगी। अच्छा डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं उन्हें करने दे, अरे थोड़ा सा खून ही तो ले रहे हैं, कौन सा तेरे शरीर का सारा खून निकालने वाले हैं। लाइए हाथ दीजिए। कमाल है इनकी तो नसें नहीं मिल रही है, मानो जैसे इनकी बॉडी में नसें ही ना। एक मिनट, नसें ही नहीं है मतलब ये इंसान है ना, और बिना नसों के इंसान थोड़ी ना बनता है। मुझे लगता है आपको ब्लड निकालने आता ही नहीं है। आप जाइए यहां से, हम किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर को बुला लेंगे। देखिए आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं, अपना काम अच्छी तरह से जानता हूं। प्रॉब्लम अगर है तो आपकी वाइफ में है। अब आप मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रहे हैं और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप ये ब्लड टेस्ट छोड़िए, हमें आपसे चेकअप करवाना ही नहीं है। अब जाइए ऐसे, दादी हम किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा लेंगे, और वैसे भी इच्छा भी ठीक है। कौशल्या जी सबसे पहले तो आप अपने पोते को एक डॉक्टर से कैसे बात करना चाहिए वो सिखाइए, और उसके बाद फिर किसी डॉक्टर को अपने घर पर बुलाइए। ठीक डॉक्टर साहब। अरे बब्बल अरे तू गुस्सा गुस्सा तो कभी ना करता, आज क्यों हो गया तुझे? अरे पिताजी कुछ नहीं, आपने देखा नहीं इच्छा के बारे में क्या कह रहा था, इच्छा की नसें ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? ये बात तो गलत थी डॉक्टर की, हमारी इच्छा कोई भूत भूत थोड़ी ना है जो उसकी नसें ना होंगी। है भूत? यार एक और डॉक्टर कह रहा है कि वेन्स नहीं है, दूसरी ओर पिताजी कह रहे थे कि हे भगवान इच्छा सही में कोई भूत भूत तो ना है, और लेकिन मुझे तो कभी आज तक ऐसा लगा ही नहीं यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलमारी में दम घुटने की वजह से इच्छा की मौत हो गई हो, और जो इच्छा हम लोगों के सामने है वो इच्छा की आत्मा हो? हो सकता है सबल, आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले मैंने किताब में पढ़ा था भूतों के बारे में, कि भूत कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, किस किस को और कब कब दिखाई देते हैं, लिखा था मैंने कहीं का लाल किताब, या लाल किताब में उनके बारे में पढ़ता हूं, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन मिले मुझे। भूतों का राज, कुछ आत्माएं हूबहू इंसानों जैसी लगती है, इच्छा, लेकिन उनका गुजारा खाने पीने से नहीं होता है, वो तो किससे होता है फिर? वो जिन लोगों के आसपास रहती हैं, उनका उनका खून पीकर गुजारा करती हैं, उसी से वो अब आत्मा बनी रहती हैं। ओ नहीं नहीं, ओ इसका मतलब इच्छा हम सबको मार, अब मुझे अभी मरना नहीं है यार, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है।
चेन्नई। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? आखिर तुम्हारी बारी आ ही गई। कैसी बारी? मेरा शिकार बनने की। नहीं, नहीं। अरे मारे जीते जी कोई तुझे हाथ लगाए, किसी की हिम्मत ना है। तू शांत हो जा, बैठ मारे पास। नहीं दादी, तू समझ नहीं रही, मुझसे बैठा नहीं जाएगा दादी। अरे वो मार देगी मुझे। कौन मार देगी छोरा? इच्छा मुझे मार देगी दादी। इच्छा क्यों मारेगी तुझे? बावला हो गया तू। अरे तू उसका जेठ है। दादी तू मेरी बात को समझ नहीं रही है। इच्छा इंसान नहीं है। इंसान ये तो फिर के है? भूत है दादी, भूत। अरे दादी हमारी वाली इच्छा तो पहले ही मर चुकी है। अरे इसी अलमारी में तो उसकी। नहीं अरे दादी, हम लोग सोच रहे थे कि हमारी वाली इच्छा बेहोश हुई है। बेहोश ना हुई, वो मर गई है। वो इस अलमारी से जो निकली थी वो उसकी आत्मा थी। अरे कुछ तो शर्म कर बावले, अपनी जीती जागती भाभी को तू भूत बोल रहा है? अगर वो मरकर भूत बन गई है तो बाहर जिसे होश आए वो कौन है? ओ दादी तेरी बात में तो मस्त लॉजिक है दादी। ओ दादी मतलब हमारी इच्छा जिंदा है दादी। मैं इच्छा से मिलके आता हूँ दादी। बाय बाय बाय। इच्छा तुम्हें क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो ये सब। अरे आज तुम्हें दादी ने आराम करने के लिए कहा है ना? बबल जी पूरा दिन आराम ही तो करना है, बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी इसलिए मैं। बोर? तुम मेरे हो तो कभी बोर नहीं हो सकती। आज तुम्हारी रसोई से छुट्टी है ना, आज हम दोनों मिलकर एक साथ बहुत सारा वक्त बताएंगे, आज के दिन को यादगार बनाएंगे। जाइए देखिए कौन है। क्या है? इच्छा ये ले, ये माला पहन ले, ये माला बुरी नजर से ना तेरी रक्षा करेगी। ठीक है भैया, आप इसे यहाँ रख दीजिए, मैं बाद में पहन लूंगी। मंदिर के पुजारी ने तो कहा था कि आत्मा का साया हटाना है तो इस माला को घर पहुँचते ही कन्या के गले में पहना दो। चल 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 पहने पहने। वो कह रही है ना बाद में पहनेगी, तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? और सुन जाके तू तैयार हो जा, और सबसे भी कह तैयार होने के लिए, हम सबको शादी में जाना है। वो क्या बात कर रही दादी, शादी? वहां पे तो बहुत सारी लड़कियां भी आएंगी ना, एक आधी लड़की तो अपने लिए पटाई लूंगा मैं। दादी इसी बात में ना माला तू पहन ले दादी, पहन ले। इधर आ, माला दादी को पहनाएगा, जा तैयार हो। दादी शादी के लिए कितने बजे निकलना है? तुम्हें उस हिसाब से तैयार। ना ना छोरी, तू घर में ही रह, थारी तबीयत ठीक नहीं। बबल तू इच्छा के साथ घर में रुक जा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे अकेले घर में कैसे छोड़ सकते हम लोगों के आते। अच्छा इच्छा, बबल कह रहा था कि तुझे हमें कोई राज बताना है, अभी बताएगी या बाद में? दादी मैं तो मजाक कर रहा था, आप सबकी फिरकी ले रहा था मैं, कोई राजवास नहीं है। छोरा ऐसा बेहुदा मजाक परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो, आइंदा ऐसा ना हो। आज का दिन तो बड़ा लकी है अच्छा, आज मैं भगवान से कुछ भी मांग लेता तो मुझे मिल जाता। सब लोग शादी में बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब आज घर में सिर्फ तुम और मैं और तुम, समझ रही हो ना?
इच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बहुत ही बेहतरीन डांसर्स होते हैं, क्या ये सच है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने मेरा डांस कभी देखा ही नहीं है। अरे नहीं इच्छा, मैं उस डांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस डांस की बात कर रहा हूँ जो इच्छाधारी नागिन अपने प्यार के लिए करती है। आज मुझे वो डांस देखना है। अच्छा तो चलिए आज आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती है। बब्बल जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि इच्छाधारी नागिन सबसे बेहतर नाचती हैं। हाँ इच्छा, यकीन तो हो गया। सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, आपको इनाम भी देना पड़ेगा। इनाम चाहिए तुम्हें? ठीक है, आंखें बंद करो। अच्छा तुम भी ना। तू एक नागिन, इच्छाधारी नागिन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.